कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कई जगहों पर बवाल देखा गया। विभिन्न राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे की पटरियों पर उतरे हुए हैं। बिहार में तो कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इन सभी के बीच दिव्यंगत CDS विपिन रावत का एक बयान वायरल हो रहा है। सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर उत्पात मचा रहे इन सभी छात्रों को विपिन रावत का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा।